ये देखो आप, ये जो मैंने कच्चे केले का कोफ्ता बनाया ये है तो बहुत ही टेस्टी, थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा टैंगी, लेकिन मैं आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखो आप, बिल्कुल इसके अंदर तक टेस्ट है, और कोफ्ते भी ऐसे हैं जो बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाए, तो इनको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब ये जो सीजन है बारिशों का, गर्मियों का, इसमें सब्जियां तो ज्यादा आती नहीं है, घिया, तोरी, टिंडे, यही सब तो ज्यादा आते हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कच्चे केले के कोफ्ते, जो सच में बहुत ही टेस्टी होंगे, बहुत ही सॉफ्ट भी होंगे और ग्रेवी में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 कच्चे केले, थोड़ा सा धनिया, प्याज, अदरक और हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पर जो केले लिए इनको पहले उबाल के रखा है, यानी प्रेशर कुकर में आपको 2 से 3 सीटी देनी है मीडियम फ्लेम पे, और 2 से 3 सीटी के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए तो आपने केले निकालना, वो अच्छे से बॉयल हो चुके होंगे। फिर आपको धनिया को ऐसे फाइनली चॉप करना है, प्याज को भी, अदरक को भी और हरी मिर्चों को भी आपको फाइनली चॉप करके रखना है। ये सब हम कोफ्ते के अंदर डालेंगे ना, तो मैंने यहाँ पर सारे केले डाले हैं और सबसे पहले इनको अच्छे से मैश कर लिया है। मैं यहाँ पर पोटैटो मैशर का यूज कर रहा हूँ, आप हाथ का भी कर सकते हो, कैसे भी चाहो, बस आपको मैश करना है। फिर आप यहाँ पर डालो हमारी सारी प्रिपेयर की हुई चीज़ें, यानी कि कटा हुआ अदरक, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया और साथ साथ थोड़े से मसाले भी डालेंगे हम, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, काफ़ी सारा धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक और काली मिर्च का पाउडर। बस आप इस सबको पहले अच्छे से मिलाओ, फिर हम इसमें धीरे धीरे करके बेसन भी ऐड करेंगे। लगभग आपको 1/4 कप बेसन लगेगा, 1/4 कप से 2 टेबल स्पून और आप जोड़ लेना, इतना आपको बेसन लगेगा। और एंड में जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डालनी है वो है थोड़ा सा देसी घी। देसी घी से कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे, अंदर मॉइस्चर लॉक रहेगा और एकदम बढ़िया बनेंगे। तो बस आपको ऐसे हाथ में थोड़ा सा तेल लगाना है, थोड़ा सा तेल लगाने के बाद इनको आपको अच्छे से बॉयल में बनाना है, बिल्कुल ऐसे, और बस इनको फ्राई करना है। तो मैंने अपनी कढ़ाई को रखा है मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत फ्राई करना, मीडियम लो फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है ताकि कोफ्ते अंदर तक बहुत ही बढ़िया तरीके से पक जाए। अगर आप थोड़ा सा भी हाई फ्लेम पे करोगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, मॉइस्चर निकलेगा नहीं और कोफ्ते एकदम बेकार बनेंगे। तो आप मीडियम लो फ्लेम पे इनको फ्राई करो, सारे कोफ्ते एक साथ डाल दो और बस आपको इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखो, बीच बीच में आप इनको थोड़ा सा चलाते रहना ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ से पके और दूसरी तरफ से पके ही ना। तो आप इनको फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते। ये देखो आप, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ना। चलो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पकोड़े अंदर तक कितने बढ़िया तरीके से पके हैं। ये देखो आप, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, बहुत ही अच्छे से पके हैं और इसमें जो छोटे छोटे छेद है ना, वो जो ग्रेवी है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करेंगे। कोफ्ते ऐसे ही होने चाहिए। चलो फटाफट देख लेते हैं कि हमें ग्रेवी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने ग्रेवी बनाने के लिए लिए हैं 4 टमाटर, 2 प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें, ऑप्शनल है बिल्कुल अगर आपको थोड़ा स्पाइसी बनाना है, साथ में मैंने लिए है काफी सारी लहसुन और 1 इंच के आसपास अदरक। अब यहाँ पर मैंने सिंपली जो प्याज है उनका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है, टमाटर, अदरक, लहसुन का भी फाइन पेस्ट बना लिया है, लेकिन हरी मिर्च का नहीं बनाया, हरी मिर्च मैं एंड में अलग से डाल दूंगा। अच्छा फटाफट देख लेते हैं हमारे सूखे मसाले क्या क्या हैं। मैंने यहाँ पर लिया थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा खट्टी खट्टी ग्रेवी अच्छी लगेगी, साथ में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून बेसन लिया है मैंने, बेसन टोटली ऑप्शनल है, साथ में मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। खड़े मसाले मैंने लिया जीरा, 1 तेज पत्ता और कुछ ऑप्शनल मसाले हैं लेकिन उनसे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच सौंफ और 1/2 चम्मच मेथी दाना, सच में ग्रेवी का अलग ही फ्लेवर आएगा इसमें। तो चलो अब टाइम हो गया इन कोफ्तों को पकाने का। तो मैंने कढ़ाई को रखा है एकदम मीडियम फ्लेम पे और सबसे पहले आप यहाँ पर डालें तेल, और तेल जैसे ही गर्म हो आप यहाँ पर डालना थोड़ी सी हींग, जीरा, तेज पत्ता, सौंफ और मेथी दाना,
इनको आपको सिर्फ क्रैकल करने तक पकाना है, यानी कि जब जैसी ये मॉइस्चर छोड़ना शुरू कर दे वैसे ही आप यहाँ पर डालना हमारे ग्राइंड किए हुए प्याज। और बस ये तो सिंपल स्टेप है, ये तो आपको पता ही है अच्छे से कि अब हमें प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से पकाना है। अब ध्यान रहे क्योंकि ये पेस्ट वाले प्याज हैं तो ये तेल ज़्यादा पीते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। पेस्ट वाले प्याज तेल ज़्यादा पीते हैं लेकिन जो कटे हुए होते हैं ना वो कम पीते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ कुछ अलग बताने के लिए ऐसे ही बनाया जाए। तो जब आपके प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, देखिए देखो बिल्कुल ऐसा कलर आ जाए, तब आप यहाँ पर डालो हमारे जो ग्राउंड करे हुए मसाले थे, और बस 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनने के बाद यहाँ पर आप धीरे धीरे करके डालो पानी। और ये देखो आप भुने हुए बेसन से टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आएगा ही, लेकिन ये जो विस्कोसिटी है या जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही अलग आएगा। लेकिन बिल्कुल आपके ऊपर है, आप चाहो तो आप डालना, आप ना चाहो तो आप मत डालना। और बस जब कि प्याज मसाले अच्छे से भुन जाए फिर यहाँ पे आपको डालना है हमारे ग्राइंड किए हुए टमाटर और अदरक लहसुन। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के बोल से सारा ही टमाटर अच्छे से निकाल लिया है, और बस आपको तो पता ही है कि जैसे मैंने डालना है टमाटर मैंने यहाँ पर डालना है नमक, तो आप नमक डालें और इसको अच्छे से पकाएं जब तक ग्रेवी से तेल अलग नहीं हो जाता। तेल अलग होना बहुत ज़रूरी है तभी ग्रेवी पकती है अच्छे से। तो आप इसको अच्छे से अपने हाथ हिलाते रहो और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाते रहो ताकि इसमें सारा मॉइस्चर लूज़ हो, क्योंकि अब ये सब पेस्ट है तो ये सब उछलने वाला है, तो मैं यहाँ पर इसको ढक कर पकाया है ताकि थोड़ा जल्दी भी पक जाए और उछल उछल के मेरा गैस ख़राब भी ना करे। आप भी इस बात का ध्यान रखना अगर आप पेस्ट करके बना रहे हो सब कुछ। तो बस जब आपका तेल अच्छे से अलग हो जाए ग्रेवी से फिर आप यहाँ पर डालो थोड़ा सा गरम मसाला, भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, 1 से 2 मिनट अच्छे से मिलाओ और फिर आप यहाँ पर डालो थोड़ा सा पानी। अब पानी की भी यहाँ पर अलग ही कहानी है क्योंकि ये कोफ्ते हैं तो कोफ्ते पानी पीते हैं, तो आप यहाँ पर पानी अच्छे से डालना, यानी कि ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर देना ताकि जब हम कोफ्ते डालें तो वो अच्छे से पानी पी पाए। ये देखो जैसे ही उबाला आ जाएगा फिर हम यहाँ पर डालेंगे हमारे कच्चे केले के कोफ्ते, और कोफ्ते डालने से पहले मैंने इसमें फोक से थोड़े से छेद कर लिए ताकि ग्रेवी बिल्कुल कोफ्ते के अंदर तक पहुँच जाए। ये देखो आप बिल्कुल ऐसे, और ऐसे एक एक करके सारे कोफ्ते डाल दिए। अब आप यहाँ पर डालो हमारी हरी मिर्चें। अब आपको लास्ट चीज़ करनी है यानी कि इसको ढकना है सिर्फ 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे, यानी कि थोड़ा दम पे पकाएंगे, और बस थोड़ी ही देर में आपको मिलेगा कुछ कुछ ऐसा। ये देखो आप इसमें तेल भी काफी अलग हो गया है, कोफ्तों ने अच्छे से ग्रेवी को पी लिया है। तो दोस्तों लगी ना आपको ये कोफ्ते थोड़े से अलग, थोड़ा सा मसालों में ट्विस्ट किया और आपने तो देखा ही हो ये कोफ्ते तो काफी सॉफ्ट है, ये हुई ना कुछ बात। और इस बार मैंने तेल भी काफी कम रखा है तो इसके लिए एक लाइक तो बिल्कुल बनता है। इस सीजन में आप जरूर बनाना और सच में बहुत पसंद आने वाली।